इस्लामाबाद आने और जाने वाली तमाम तर पब्लिक ट्रांसपोर्ट हफ्ते में 2 दिन बंद रहेगी। हफ्ते और इतवार को ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगी। मेडिकल और इमरजेंसी सर्विसेज पाबंदी से मुस्तस्ना, पाबंदी का इतलाक 9 से 26 अप्रैल तक होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कानून लाने की मंजूरी दे दी। कहा, शुगर माफिया के खिलाफ सामिया एक्शन हो रहा है। रमजान में आवाम को चीनी सस्ते दामों में असर होगी। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने वज़रा को चीनी आटा और दालें सस्ती करने का मिशन दे दिया। कहा, अपोजिशन को छोड़े, आवाम को हुकूमती इकदाम का बताएं। अपोजिशन हुकूमत के लिए खतरा नहीं। अपोजिशन के बयान का जवाब देने के बजाय आवाम को रमजान में चीजें सस्ती फराहम करके रिलीफ दें। मुल्क भर में कोरोना के 4,323 नए केसेस रिपोर्ट। मजमूई केसेस की तादाद 6,92,000 से बढ़ गई। मुस्बत केसेस की शरह 9.9% रिकॉर्ड। सेनेट में अपोजिशन तकसीम, नून लीग और इत्तेहादी जमातों ने चेयरमैन सेनेट को अलग नशिस्तों के लिए दरख्वास्त दी थी। आज़म नज़ीर तारर ने कहा, पीपल्स पार्टी और एएनपी के साथ नहीं बैठेंगे। सेनेट में 27 अराकीन का आजाद ग्रुप होगा।